Sadosh Prakul and hello, namaste, welcome to my channel KP. जी नहीं, मेरा नाम केविन पीटरसन नहीं है. मैं आपको बता दूंगा मैंने अपने चैनल का नाम KP क्यों रखा, बट थोड़ा सा इंतज़ार बरखुरदार. तो बेसिकली मेरे बारे में आपको मेरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरा नाम, एज, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सब मेरे अभी आने वाले शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा. तो मैं आपको अपनी थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ, मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी सिंस आज मेरा ये पहला व्लॉग है. सो बेसिकली मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि व्लॉगिंग करनी है, बट एक राइट ओकेजन या राइट टाइम नहीं मिल पाया. एक एप्रिहेंशन ये भी था कि इन एवरी स्पेस टुडे देर इज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, अ व्लॉगर, अ यूट्यूबर. एक थॉट ये भी था कि यार मैं क्या अलग दे सकता हूँ. तो अभी तक मेरे को इसका आंसर मिला नहीं, तो मैंने इसलिए यही सोचा है कि जो भी मेरे व्लॉग में होगा वो रॉ होगा, रियल होगा. जो मैं हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगा, आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा आई एम श्योर. एंड आप ये कुछ शॉर्ट्स देखिए जिसमें आपको मेरे बारे में थोड़ा एक बेसिक जानकारी मिलेगी. देन वील सी यू अगेन. सो आई होप आपको ये शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे. ये बेसिकली कुछ जानकारी मैंने आपको दी है. अभी मैंने आपको सारी जानकारी नहीं दी है अपने बारे में, वो आपको धीरे धीरे करके मेरे व्लॉग्स में पता चलेगा जब आप मुझे डेली देखोगे. और डेली देखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, यू हैव टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं आपके पास रोज़ आऊँ और आप मुझे रोज़ देखें. सो थोड़ा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं भी अपनी तरफ से आपको दे देता हूँ, वरना आप कहोगे यार क्या पेपर में लिख के दे दिया है, ऐसे दिखा दिया है इसने. तो आपका भाई आपको थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा. सो यस, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. फंबल हो जाता है यार, समझ नहीं आता. ठीक है, दोबारा बोलता हूँ. सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ. एंड मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से करी है. एंड आई करंटली वर्क इन मुंबई. मैं क्या काम करता हूँ वो भी आपको मैं आगे जाके बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा. एंड मेरे बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएंगी. यार थोड़ा इंतज़ार करो. सो बेसिकली ये जो शॉर्ट है ना, मैं आपको सच सच बता देता हूँ, ये शॉर्ट मेरे को करने में 4 या 5 रीटेक से भी ज़्यादा लगे हैं. सो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाओ, मेरा पहला व्लॉग है, मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए. मैं आपके लिए रोज़ व्लॉग्स बनाऊंगा, आपको रोज़ एंटरटेन करूंगा. एंड हमारा मोटिव यही है कि हम अपना कंटेंट रियल रखेंगे, हम अपना एक अलग स्पेस बनाएंगे, एक अलग वर्ल्ड बनाएंगे. अरे कहना क्या चाहते हो? लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग. अब मेरा पूरा दिन देखो मैं क्या करता हूँ. खूब सिया. सो गाइज, थोड़ा इशू हो गया है. इशू कुछ नहीं है, बस मेरी मॉम ने ये कार थोड़ी हमारी पार्किंग में ठीक से खड़ी नहीं करी, तो मेरे को वो ठीक करनी पड़ रही है. बिकॉज जो मेरे ऊपर रिलेटिव्स रहते हैं उनको अपनी कार में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बस मैं थोड़ा सा इशू ठीक करूँ. तो गाइज, अभी हमारे पास आ गया है थोड़ा सा काम. मैं तब तक ये काम कर लेता हूँ और आप छोटा सा टाइम लैप्स देख लो. तो मैं अभी साइक्लोन आम्फान की कुछ वीडियोस देख रहा था ऑनलाइन एंड इट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस का, इतना बड़ा पैंडमिक है एंड ऊपर से साइक्लोन का आ जाना, दैट हैज़ अफेक्टेड सो मैनी पीपल
इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। Made all the more challenging by COVID-19. It was the strongest tropical storm on record as it tracked north through the Bay of Bengal with wind speeds of 270 miles an hour. But they were barely half that by the time the vortex made landfall close to the border of Bangladesh and India. तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल हो रहा है। I just pray and hope to God that the people in West Bengal and Odisha, they stay safe and nothing really bad happens, because इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, it's quite depressing and I don't know what to say. I just hope that and I pray that God just helps them out. That's it. Guess करो क्या भी रहूँ। माज़ा, गर्मी में ठंडी का एहसास। मैं माज़ा पीता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इन कपड़ों में क्यों हूँ। जी हाँ, अब टाइम हो गया है मेरे वर्कआउट करने का। मैं फिटनेस में भी हूँ, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट, इसलिए अब हम अपना वर्कआउट करेंगे। आई हैव वन पेयर ऑफ डंबल्स, उसी से हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। घर के बाहर जा नहीं सकता, जिम जा नहीं सकता लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं रोज़ घर पे ही वर्कआउट करता हूँ। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप घर पे ही वर्कआउट करें, बाहर ना जाएं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। Biceps and triceps both. अब मिलता हूँ वर्कआउट के बाद। See you. आप लोग भी कर लो वर्कआउट जाके। 2000 years later. So भाइयों, वर्कआउट हो गया, पंप भी अच्छा आ गया। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है बाइसेप और ट्राइसेप। तुम्हारा भाई और मेहनत करेगा। सो गाइस, अभी मैं जो वेब सीरीज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, इसका नाम है 10 पाए। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज़ अबाउट अ मैन हु इज़ सेंट एज अ स्पाई इन सीरिया। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मैंने अभी तक 2 एपिसोड्स देख लिए, मेरा तीसरा चल रहा है। तो मैं अपना 3rd एपिसोड ख़त्म करता हूँ एंड हम अपना आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल दी एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ आई वॉज एबल टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्विकली एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन फॉर अपडेट्स। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो। इससे अपना रिश्ता और गहरा होगा, मजबूत होगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.